एक दिन के सीएम वाली कहानी आपने बॉलीवुड फिल्मों में जरूर देखी होगी, लेकिन असल राजनीति में भी ऐसा हो चुका है। जब एक मुख्यमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ लेते ही अगले दिन सीएम के पद से इस्तीफा देना पड़ गया था। एक दिन के इन मुख्यमंत्री का नाम था अर्जुन सिंह, जो गांधी परिवार के बेहद करीबी, संजय गांधी के सबसे वफादार और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता थे। अपने तरह की ये अनूठी राजनीतिक घटना घटी थी साल 1985 में, जब अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जीतकर बहुत खुश थे। इस सफलता को वे बड़ी उपलब्धि मान रहे थे और जश्न मना रहे थे, लेकिन उनकी इन खुशियों को ग्रहण लगने वाला था। महज 24 घंटों के अंदर अंदर कुछ ऐसे घटनाक्रम होने जा रहे थे जो उनकी इन खुशियों को ग्रहण लगाने वाले थे। उन्हें मुख्यमंत्री बनते ही अगले दिन पद से इस्तीफा देना पड़ गया। अर्जुन सिंह के इस तरह रहस्यमय ढंग से मुख्यमंत्री बनने के 24 घंटों के भीतर ही पद से इस्तीफा देने की बात ने सबको हैरान कर दिया था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये वो वक्त था जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में कांग्रेस के प्रति जनता में कूट कूट कर सहानुभूति भरी हुई थी। लिहाजा इस बीच पड़ने वाले चुनावों में वो कांग्रेस को उड़ेल कर अपना वोट दे रहे थे। यही मध्य प्रदेश में भी हुआ, जब वहां की 320 विधानसभा सीटों में से उन्हें 250 सीटों पर जीत हासिल हुई। चुनाव अर्जुन सिंह के नेतृत्व में लड़ा गया था, लिहाजा सीएम फिर उन्हीं को बनाया गया। ये बतौर सीएम उनका लगातार दूसरा शासन था, लेकिन सस्पेंस तो अभी बाकी ही था। अचानक अर्जुन सिंह ने सीएम बनने के 24 घंटे के भीतर अपना इस्तीफा देकर सबको भौचक्का कर दिया। इसके बाद राजीव गांधी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने उन्हें अचानक पंजाब का राज्यपाल नियुक्त कर दिया। सवाल उठ रहे थे कि ऐसा क्यों किया गया, और जब उन्हें सीएम बनाना ही नहीं था तो फिर सीएम पद की शपथ लेने ही क्यों दी गई। इन सब सवालों के बीच पार्टी आलाकमान मौन थे। अर्जुन सिंह राज्यपाल तो बने, लेकिन अनमने ढंग से। उस समय राजनीतिक पंडितों ने यह अनुमान लगाया कि हो ना हो अर्जुन सिंह कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति का शिकार हो गए हैं। चर्चा यह भी थी कि उनके लगातार दूसरी बार सीएम बनने और उनके बढ़ते राजनीतिक कद से पार्टी के कुछ नेता इनसिक्योर फील करने लगे थे। अर्जुन सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद मोतीलाल वोरा को सीएम बनाया गया। इस बीच अर्जुन सिंह के दिल में सीएम पद जाने की छटपटाहट बनी रही। वे शायद भीतर ही भीतर इस बात से व्यथित भी थे, लिहाजा वही हुआ जिस बात की उम्मीद जताई जा रही थी। मोतीलाल वोरा सीएम तो बनाए गए, लेकिन अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। 3 साल तक मध्य प्रदेश के सीएम पद संभालने के बाद उन्हें केंद्र में वापस बुला लिया गया, जबकि अर्जुन सिंह को फिर सीएम पद की शपथ दिलाई गई। अर्जुन सिंह ने 14 फरवरी 1988 को एक बार फिर से सीएम पद की शपथ ली, लेकिन शायद उनके सीएम पद पर ही कोई काली छाया थी। अर्जुन सिंह सीएम बनने के बाद भी इस पद पर टिके नहीं, और 1 साल के बाद ही उन्हें फिर से इस्तीफा देना पड़ गया। इस बार उनका नाम एक बड़े घोटाले में फंसा था, और इस तरह से मुख्यमंत्री पद तक ये पहुंचे जरूर, लेकिन ये पद इन्हें रास नहीं आया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।